हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनिस के रिलेटेड। तो सिंपली दोस्तों, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं या जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी टॉपिक के वीडियो हमेशा अपलोड किए जाते हैं। सिंपली दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेनिस के रिलेटेड। बहुत सारे लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पेनिस की नसें मर जाती हैं, नसों के अंदर गंदा पानी भर जाता है और फिर उनको तरह तरह के मेडिसिंस और फिर वो तरह तरह के मेडिसिंस यूज करते हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पॉन्स या कोई अच्छा खास रिजल्ट उनको नहीं मिलता। सिंपली दोस्तों, आज हम कारण को जान लेते हैं कि किस वजह से हमें किसी भी मेडिसिंस का सही से रिजल्ट नहीं मिलता। सिंपली दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो अंडर 18 प्लस में उल्टे सीधे काम करते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, मुस्जनी करते हैं और उसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है उनकी नसों के ऊपर आता है। जिस तरीके से क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर घर्षण करते हैं तो हमारी जो बारीक बारीक नसें होती हैं इसके अंदर गर्माश पैदा होता है, और जब इसके अंदर गर्माश पैदा होता है तो इसके अंदर बारीक बारीक पानी के छाले बन जाते हैं, और वही छाले क्या होता है कि नसों के अंदर अटक जाते हैं, तो खून का जो प्रेशर होता है वो बराबर से आगे को नहीं जा पाता, जिसके वजह से आपका ना साइज बढ़ता है, ना आपका मोटा होता है, ना आपका ताकतवर बनता है, यानी आधे से लूजनेस रहेगा या ढीलापन रहेगा या और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आप अपने हाथों से करते हो। तो आज हम जानेंगे कि इसको किस तरीके से ठीक करें। तो सिंपली दोस्तों, हम आपको 100% घरेलू नुस्खा बताएंगे और इस नुस्खे को यूज करके आप कुछ ही दिनों में अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों, जो लोग अंडर 18 प्लस में उल्टे सीधे काम किए, हाथ का इस्तेमाल किए, अब वो छोटा हो गया है, बच्चे से दिख रहा है या पेशाब करने के लिए बचा, या वो शादी के लायक नहीं है, या वो तरह तरह के ऑयल देख चुके हैं, तरह तरह के ऑयल यूज कर चुके हैं, तरह तरह के नुस्खे यूज कर चुके हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे लोगों के लिए आज का जो नुस्खा है बहुत ही कमाल का है और इससे 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो ये नुस्खा है, ये आपके पेनिस के ये आपके जो नसों के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है उसको निकाल देगा, उसको लंबा कर देगा, मोटा कर देगा, उसी के साथ साथ ये उसको ताकतवर बना देगा और भी उसको सुडोल और अच्छा से उसको फिट कर देगा। तो सिंपली वो लोग जो साइज के मैटर को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमने अनजाने जाने अनजाने में हमने गलत काम कर लिया, अब हमारा ऐसा पहले 4 इंच का था या 6 इंच का था, अब वो 1 इंच का दिख रहा है या 2 इंच का दिख रहा है, सिकुड़ने पे 1 इंच या आधा इंच का दिख रहा है, स्टैंडिंग में 2 इंच या 3 इंच का दिख रहा है, तो ऐसे में उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सोचते हैं कि मैं कौन सा ऑयल बना के यूज करूँ, कौन सा नुस्खा यूज करूँ जो कि मेरा अच्छा खासा साइज हो जाए, अच्छा से मोटा हो जाए, ताकतवर हो जाए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके माइंड में तरह तरह के ख्याल चलते रहते हैं कि मेरा आगे क्या होगा, मैं क्या करूँ, क्या चीज यूज करूँ, कैसे यूज करूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है और ये जवाब है सिर्फ ये नुस्खा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ सब चीजें घर पे मिल जाएगी, बस आपको बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, वीडियो को प्रॉपर देखिए और वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तिल का तेल आपको लेना है 100 ग्राम, उसी के साथ में आपको पान का पत्ता, पनवाड़ी की दुकान से पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता देसी हो, बनारसी हो, कोई भी हो, बस पान का पत्ता होना चाहिए, वो आपको लेना है 2 पीस। 2 पीस आपको पान के पत्ते लेने हैं और फिर अपने घर के आसपास से कहीं से आपको 2 पत्ते मदार के, जिसको कोई आक का पेड़ कहता है, कोई मदार का पेड़ कहता है, तो मदार के पेड़ का आपको 2 पत्ता लेके आना है, यानी 2 पत्ता पान के लेने हैं, 2 पत्ते मदार के लेने हैं, 100 ग्राम आपको तिल का तेल लेना है और आपको सबसे लास्ट और सबसे आखिरी आइटम आपको लेना है 10 पीस लौंग के दाने, यानी 10 पीस आपको लौंग लेना है। लौंग के दाने, यानी जो लौंग होता है फुल टाइप का होता है, पूरा फुल टाइप का ही लेना, आगे का फुल टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लौंग एकदम प्रॉपर और पूरा होना चाहिए, ठीक है। बस आपको इन्हीं चारों चीजों को एकत्र करना है। 100 ग्राम तिल का तेल आपको लेना है, आपको पान के 2 पत्ते लेने हैं, मदार के 2 पत्ते लेने हैं और 10 पीस आपको लौंग के ले लेने हैं, ठीक है। इतनी सारी चीजें घर पर लेके आना है। अब करना क्या है कि 100 ग्राम तिल के तेल के ही अंदर किसी कटोरी में या किसी वाटी में तेल को पहले डाल लेना है, उसके बाद उसके अंदर आपको मदार के जो 2 पत्ते हैं उसको उसी के अंदर मसल के डाल देने हैं, पान का जो पत्ता होता है उसको उसी के अंदर के मसल इन बारीक बारीक टुकड़े करके उसी के अंदर डाल देना है, और 10 पीस जो आपका लौंग था उसको भी उसी के अंदर डाल देना है, ठीक है। तेल के अंदर ये तीनों चीजें डाल देनी है, यानी 100 ग्राम तिल के तेल के अंदर आपको 2 पीस पान का पत्ता डालना है, 2 पीस मदार का पत्ता डालना है, 10 पीस आपको लौंग डालने हैं, उसी के अंदर डाल देना और उसको हल्के हल्के आंच में पकाना है, उसको धीरे धीरे पकाना है, और जब उसके अंदर ये मदार का पत्ता, लौंग और पान का पत्ता जब उसके अंदर जल जाए, काला काला हो जाए, तेल के ऊपर तैरने लगे, बस उसको उतार के रख लेना है, और जब वो ठंडा हो जाए बस उसी को छान लेना है, ठीक है। उसको छान लेना है
और छानने के बाद में किसी कांच की शीशी में भर के रख लेना है, बस आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल उनके लिए बेस्ट होगा जिनकी जो साइज के लिए परेशान है, जो मोटा करने के लिए परेशान है, जो ताकतवर बनाने के लिए परेशान है, उनके लिए ये तेल बहुत ही परफेक्ट होगा। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको आपको सुबह शाम यूज करना, लेकिन यूज करने से पहले अपने पेनिस को किसी कपड़े से अच्छी तरीके से पहले साफ कर लेना है। इसको लगाने से पहले अपने पेनिस को अच्छे से कपड़े से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में 2-3-4 बूंद जो आपके लिंग के अनुसार जो उस पर लगता है वो आप इसी के ऊपर छुआ लिया, आगे उसी के ऊपर रख लेना है, इसको आगे का हिस्सा छोड़ देना है और फिर हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। यानी 3-4 बूंद लिंग के ऊपर लगाना है, आगे का हिस्सा छोड़ देना और हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज कम से कम 1-2 मिनट तक करना है, बस उसके बाद में छोड़ देना। तो इस तरीके से इस तेल को आपको यूज करना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तेल है और ये 100% घरेलू है। इसमें कोई भी चीज़ आपको मार्केट से नहीं परचेस करना है। जो भी आपको बनाना है, जो भी आपको एकत्र करना है, वो सारी चीज़ें आपको घर पे मिल जाएगी। पान का पत्ता भी आपको आसानी से मिल जाएगा, अपने पान का पत्ता भी मिल जाएगा आपको आसानी से, लौंग भी आपको आसानी से मिल जाएगा, तिल का तेल भी मिल जाएगा, मदार का पत्ता आपको आसपास किसी भी जंगल झाड़ी में आसानी से मिल जाता है, तो भी आप कहीं से भी ले सकते हो। तो 2 पत्ते मदार के लेने हैं, 2 पत्ते पान के लेने हैं, 100 ग्राम तिल का तेल लेना है और 10 दाना आपको लौंग लेना है। इन्हीं सारी चीज़ों को मिक्स करके हल्का हल्का आज में पकाना है। पकाने के बाद में इसको जब ठंडा हो जाए बस छान के रख लेना है और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको यूज करना है। आगे का हिस्सा छोड़ देना है और लिंग के ऊपर 2-3 बूंद चुआना है और हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। मसाज कम से कम 1-2 मिनट तक करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अगर बना के अगर आप यूज कर ले जाते हो तो आपको लाइफ में किसी भी ऑयल या किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके पेनिस के समस्याओं के लिए कि और हमारा लंबा करना है, मोटा करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसी तमाम समस्याओं से आप हमेशा बच जाओगे और इस तेल का इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आपको शायद ही लिंग के रिलेटेड कभी लाइफ में किसी मेडिसिन के लिए किसी मेडिसिन की जरूरत पड़े। तो बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आप लोग इसको बना के यूज कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।